वेलकम स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ गुरु तो बच्चों आज हम क्लास सेवन का चैप्टर नंबर टू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इजी एंड सिंपल टॉपिक है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पक्का करना जरूरी है आपका बेसिक जितना स्ट्रॉग रहेगा आप उतने मैथ में परफेक्ट रहेंगे थोड़ा सा हम बेसिक के बारे में बात करेंगे तो चलिए जैसे कि यहाँ पर इंटीजर्स की बात आई है तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कुछ और नंबर्स जैसे कि नेचुरल नंबर्स है होल नंबर्स है और उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की तो सब में पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है स्टूडेंट्स तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स तो कोई भी चीजों को काउंट करने के लिए हम जो नंबर्स यूज करते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड ऑनवर्ड्स ये आगे चलते जा रहे हैं एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन वन थाउजेंड भी आ जाएगा वन लैक भी आ जाएगा ये चलते जा रहे हैं दे आर इनफाइनाइट यानी कि ये आगे जाते हैं बेशुमार होते हैं और इनकी कोई हद नहीं होती इनकी कोई सीमा नहीं होती है ये आगे चलते रहते हैं तो हमें नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल जाता है वन से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता कहाँ पर खत्म होते हैं तो वो चलते ही रहते हैं चलते रहते हैं तो ये नेचुरल में क्या होता है जीरो तो वो होल नंबर बन जाते हैं अब जैसे की जीरो से ये स्टार्ट होते हैं जीरो इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होल नंबर जीरो चलते जाते हैं तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट तो जीरो होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हम बोल नहीं सकते वो आगे चलते रहते हैं चलते रहते हैं ठीक है ये वो हो गए अब हम देखेंगे इंटीजर्स जो कि हमारे चैप्टर्स का एक पार्ट है इंटीजर्स उसके बाद हमें मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऑफ इंटीजर्स भी देखना है लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिविजन इंटीजर्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स भी देखेंगे तो ये आपका बेसिक है स्टूडेंट हम आपका बेसिक पक्का कर रहे हैं जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका मैथ अच्छा नहीं होगा तो मैथ में अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो अब हम देखेंगे स्टूडेंट इंटीजर्स क्या होते हैं अब इंटीजर्स में होता क्या है इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं होल नंबर्स भी होते हैं और उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं तो इंटीजर्स में लिखता हूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ऑनवर्ड्स यानी कि ये आगे चलते रहते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स है जीरो के जो राइट हैंड साइड आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स है और जीरो एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है तो जीरो के जब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो हम निगेटिव नंबर लिख रहे हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड ऑनवर्ड्स माइनस स फोर के आगे मैंने नंबर नहीं लिखे तो वहां पर नंबर नहीं है ऐसा नहीं है वो माइनस फाइव आएगा माइनस सिक्स आएगा माइनस सेवन आएगा माइनस टेन माइनस वो आगे चलते रहे तो यहाँ पर देख रहे थे हम कि नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता होल नंबर्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता तो ये भी इनफाइनाइट होते हैं बेशुमार होते हैं ये भी इनफाइनाइट होते हैं उसी तरह इंटीजर्स का ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है आप जो है तब बोलेंगे सब में छोटे से छोटा ना इंटीजर्स बोलो तो आप नहीं बोल सकते हैं सब में बड़ा से बड़ा इंटीजर बोलो तो आप नहीं बोल सकते हैं तो इंटीज के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं और उसी के साथ साथ जीरो भी आता है तो यहाँ तक आपका आइडिया क्लियर हो गया जैसे की चैप्टर का हमारा नाम था मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स तो इंटीजर्स आपको समझ में आ गया है तो अब हम नेचुरल नंबर्स uh, का एडिशन और सब्ट्रेक्शन समझाएंगे जो आपकी बुक है ना बुक में जो है आपको प्रीवियस नॉलेज दिया गया है लेकिन उस प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको ये जो चीजें हम जो आपको बता रहे हैं ये लगने वाली है तो इसको आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट and तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स सीखने से पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्टन ऑफ इंटीजर्स तो अगर आप बच्चों ये बेसिक कर लोगे ना तो आपका मैथ एकदम पक्का हो जाएगा और मैथ में आप अच्छे नंबर लेने लगोगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसके कुछ रूल्स हैं वो रूल्स आज हम आपको बताने वाले हैं और उसके फोर रूल्स हैं स्टूडेंट अगर ये रूल आप याद रख लोगे ना तो आपको आगे की क्लासेस के अंदर बहुत काम तो में आए तो सबसे पहला रूल क्या है देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है टेबल के जरिए आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट नंबर अब देखिए जो दो नंबर होते हैं ना उनका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा कब एडिशन होगा कब सब्ट्रैक्शन होगा और जो आंसर आएगा तो आंसर को कौन सी साइन लगेगी ये टेबल के जरिए आप बहुत अच्छी तरह बता सकोगे तो फर्स्ट नंबर अगर प्लस का है कि जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड नंबर भी प्लस का है तो आप जो उनका क्या करोगे प्लस ही करोगे उनका प्लस ही होगा और जो आंसर आएगा आंसर को जो साइन रहेगी वो प्लस की ही रहेगी चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मैं लेता हूँ एट प्लस नाइन इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए ये जो एट है एट को कौन सी साइन है प्लस की साइन है जो कि नहीं लिखी जाती है लेकिन प्लस की होती है और नाइन को कौन सी साइन है प्लस यानी कि फर्स्ट नंबर भी प्लस का है सेकंड नंबर प्लस का देखो फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर अब यहाँ पर हमें क्या करना है उनका ऑपरेशन प्लस ही करना है तो एट प्लस नाइन हम कर देंगे सेवनटीन अब बच्चों सेवेंटीन हमारा आंसर आ गया है अब सेवेंटीन आंसर को कौन सी साइन लगाना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर को प्लस की साइन लगाना है और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्लस साइन अगर मैं नहीं भी लगाता हूँ ना प्लस साइन तो वहाँ पर प्लस ही समझी जाएगी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अब जैसे कि मैं करता हूँ इलेवन प्लस ट्वेल्व ठीक है इलेवन और ट्वेल्व इलेवन इज द फर्स्ट नंबर ट्वेल्व इज द सेकंड नंबर आप देखो दोनों भी नंबर को प्लस की साइन है तो हम क्या करेंगे इनका एडिशन ही करेंगे प्लस ही करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर टू प्लस वन थ्री और वन प्लस वन टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री आपको आंसर मिलेगा अब आंसर को कौन सी साइन लगानी है देखो बच्चों प्लस की साइन लगानी है यहाँ पर हमने लिखा है तो आपको यहाँ पर प्लस की साइन लगानी है नहीं भी लगा तो वो प्लस ही समझा जाएगा अब सेकंड रूल देखे हैं व्हाट इज सेकंड रूल अब सेकंड रूल क्या है सेकंड रूल देखिए फर्स्ट नंबर प्लस का है सेकंड नंबर माइनस का है तो हम क्या करेंगे इनका माइनस करेंगे और जो जो भी आंसर आएगा उसको साइन साइन रहेगी वो हम डिसाइड ग्रेटर ग्रेटर नंबर नंबर कौन सा है? की आएगी अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अब मैं जैसे लिखता हूँ माइनस फोर अब देखिए स्टूडेंट सेवेंटीन को प्लस की साइन है और फोर को माइनस की साइन है तो फर्स्ट नंबर को प्लस की साइन से नंबर को माइनस की साइन तो 17 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 13. अब पर प्लस की साइन है तो यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ फोर माइनस सेवन अब देखिए बच्चों फोर को प्लस की साइन है सेवनटीन को माइनस की साइन है तो यहाँ पर हम इनका माइनस करेंगे 17 में

नंबर की रहेगी ग्रेटर नंबर चलिए एक दो एग्जाम्पल देख है, की है, 15, देखेंगे कौन सी साइन लगाना है फिटीन ग्रेटर है सेवन जो है लेसर नंबर है स्मॉलर है फिफ्टीन को प्लस की साइन है तो एट को प्लस की साइन अब तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देखता हूँ मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन अब यहाँ पर भी आंसर एट ही आएगा लेकिन हम क्या करेंगे कौन सी साइन लगेंगे ग्रेटर नंबर की लगाएंगे फिफ्टीन ग्रेटर है ग्रेटर नंबर को माइनस की साइन है तो आंसर माइनस एट फोर्थ रूल देख लेते हैं स्टूडेंट फोर्थ रूल में क्या है अगर फर्स्ट नंबर माइनस का है सेकेंड नंबर भी माइनस का है तो हम उनका क्या करेंगे प्लस करेंगे दोनों का प्लस हो जाएगा और आंसर को साइन कौन सी लगेगी माइनस की ही लगेगी चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अब जैसे कि मैं लिखता हूँ माइनस सेवन और माइनस ट्वेल्व अब देखिए दोनों भी नंबर को साइन माइनस की है तो ट्वेल्व और सेवन माइनस के ही हैं तो इनका हम प्लस करेंगे ट्वेल्व में सेवन अगर हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर माइनस वाई है और माइनस एट तो क्या होगा इनका हम एडिशन करेंगे एट प्लस आपको मिल जाएगा थर्टीन थर्टीन इज द आंसर लेकिन इसको हम माइनस की साइन लगाएंगे तो ये थे साइन रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्टन के जब इंटीजर्स का एडिशन सब ट्रैक्शन करेंगे तो कौन सा जो है ऑपरेशन होगा और फिर जो आंसर आएगा आंसर को कौन सी साइन लगेगी तो आप इसमें एक बात याद रखना है बच्चों जब एक जैसे साइन होते हैं दोनों के भी प्लस होते हैं तो हमेशा प्लस ही रहेगा अगर दोनों के भी माइनस रहेंगे तो हम क्या करेंगे प्लस ही करेंगे और अगर साइन अपोजिट होते हैं एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हमेशा माइनस करेंगे साइन अगर जो है एक जैसे रहते हैं तो प्लस ही होगा कि प्लस प्लस रहेगी तो प्लस होगा माइनस माइनस भी रहेंगे तो प्लस होगा लेकिन साइन अपोजिट रहते हैं प्लस माइनस रहते हैं तो हमेशा माइनस करेंगे और जो सेकेंड रूल है और थर्ड रूल है उसमें जो आंसर आएगा answer को greater number की लगेगी जैसे कि हमने example में आपको बताया है Clear है तक instrument? तो बच्चों अब टॉपिक जो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, है वो हम अभी सोल्व करेंगे अब देखिए यहाँ पर फाइव प्लस सेवन तो यहाँ पर रूल नंबर वन यूज होगा फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर प्लस का है तो फाइव प्लस सेवन आपको मिल जाएगा ट्वेल्व और आंसर को ट्वेल्व आंसर तो है उसको प्लस की साइन रहेगी अब यहाँ पर देखिए टेन प्लस माइनस फाइव माइनस माइनस होता अब 10 है, 5 है तो आप देखेंगे 10 है, तो फाइव तो को भी प्लस की चलिए एग्जाम्पल नंबर थ्री में देखेंगे माइनस फोर प्लस थ्री तो आप बोलिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा फोर में से थ्री माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा वन लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नंबर फोर है फोर को माइनस की साइन है तो आंसर को भी माइनस की साइन आएगी ओके क्लियर है स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर माइनस सेवन है और ये प्लस और माइनस माइनस टू हो जाता है ये ये आपका प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज नॉलेज है 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 के ऊपर क्वेश्चन ठीक आपको आना जरूरी है अब देखिए दोनों भी नंबर माइनस के है तो इन दोनों का हम क्या करते हैं प्लस करते हैं डेट इज रूल नंबर फोर तो यहाँ पर सेवन प्लस टू नाइन हो गया लेकिन आंसर को साइन आएगी माइनस अब यहाँ पर देखिए प्लस एट और माइनस प्लस माइनस हो जाता है और ये थ्री तो एट में से थ्री माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा फाइव अब देखेंगे कौन सी साइन लगाएंगे एट ग्रेटर नंबर है एट को प्लस की साइन है तो को भी प्लस की साइन लगेगी ये हो जाएगा एट और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा तो एट प्लस थ्री आप करेंगे दोनों भी नंबर प्लस के हैं तो इनका प्लस ही होगा तो एलेवन आंसर आ जाएगा स्टूडेंट ये था आपका लेट्स रिकॉल प्रीवियस नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन अब हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के रूल्स देखने वाले है तो जैसे बच्चों एडिशन सब्टेक्शन के फोर रूल्स थे अब मल्टीप्लीकेशन के और डिविजन के भी फोर रूल्स रहे अब जो रूल्स मल्टीप्लीकेशन के रहेंगे वही डिवीजन के रहेंगे तो आपको हम कर समझा देते हैं। जैसे है, is, अगर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो आंसर आएगा ना बच्चों वो प्लस का ही रहेगा एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूँ अब जैसे की आप फाइव है फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप थ्री से अब देख रहे हैं फाइव को भी प्लस साइन है और थ्री को प्लस साइन है दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइव थ्री झा फिफ्टीन यानी प्लस का उसी तरह अगर ट्वेल्व है ट्वेल्व को आप सेवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए दोनों भी नंबर प्लस के हैं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ट्वेल्व सेवन जाटी फोर तो ये प्लस एटी फोर मिल जाएगा दिस इज रूल नंबर वन चलिए रूल नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं अब बच्चों रूल नंबर टू देखिए फर्स्ट नंबर प्लस का है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक माइनस वाले नंबर से तो आंसर को हमेशा साइन माइनस की ही रहेगी अब फॉर एग्जाम्पल जैसे की एक नंबर सिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं माइनस फोर ठीक है अब चूंकि माइनस है इस वजह से इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ तो हम सब में पहले मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर मिल जाएगा आपको और आंसर को कौन सी साइन देखिए स्टूडेंट माइनस की साइन तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर एक वन मोर एग्जाम्पल अब जैसे कि नंबर सेवन है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस नाइन से फर्स्ट नंबर प्लस का है सेकेंड नंबर माइनस का है, और दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो जाए सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री मिलेगा आपको और आंसर आंसर को जो साइन रहेगी वो माइनस की रहेगी तो ये हो जाएगा माइनस चलिए रूल नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों रूल नंबर थ्री में फर्स्ट नंबर माइनस का है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई प्लस वाले नंबर से तो आंसर को साइन माइनस की रहेगी अब जैसे कि मैं करता हूँ माइनस एट को मल्टीप्लाई करता हूँ फाइव से तो एट फाइव फोर्टी मिल जाएगा आंसर आपको लेकिन आंसर को जो साइन रहेगी वो माइनस की रहेगी उसी तरह अगर मैं माइनस ट्वेल्व है और माइनस ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करता हूँ फाइव से प्लस फाइव से तो फर्स्ट नंबर माइनस का सेकंड नंबर प्लस का तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्वेल्व फाइव सिक्सटी हो जाएगा ये लेकिन ये आंसर मिलेगा माइनस का रूल नंबर फोर देखते हैं अब देखिए बच्चों रूल नंबर फोर क्या है अब दोनों भी नंबर माइनस के रहेंगे और दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आप प्लस साइन लगाएंगे अब जैसे कि मैं करता हूँ माइनस फोर मल्टीप्लाई करता हूं उसको माइनस सेवन से दोनों भी नंबर माइनस किया और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो अब समय पहले आप मल्टीप्लाई कर दो फोर सेवन सा ट्वेंटी एट मिल जाएगा और आंसर जो रहेगा वो प्लस का रहेगा अब इसी तरह वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं अब मैं लेता हूँ माइनस सिक्स उसको मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस नाइन से अब देखिए दोनों में और दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको आंसर तो पहले मिल जाएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर अब हम देखेंगे आंसर को कौन सी साइन लगाना है तो प्लस की साइन लगाना है तो ये थे फोर रूल्स मल्टीप्लीकेशन के इसी तरीके से डिविजन के भी रूल्स है बच्चों सेम रूल है इतना है उसमें पर, की उसमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के बजाय डिविजन की साइन लगाना है तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं अब देखेंगे डिविजन के रूल स्टूडेंट सेम रूल्स है डिवीजन की भी अब देखिए फर्स्ट नंबर प्लस का है उसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं सेकंड नंबर प्लस का है तो आंसर को जो साइन रहेगी वो प्लस की रहेगी एग्जांपल लेता हूं मैं जैसे कि एक नंबर ट्वेल्व है उसको डिवाइड कर रहे हैं हम सिक्स uh, से अब देखिए ट्वेल्व को जो साइन है वो प्लस की है सिक्स को भी साइन प्लस की है दोनों का क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है तो सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व तो आंसर इज टू आंसर आपको प्लस टू मिल गया है टेक वन मोर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ फोर्टीन है फोर्टीन को डिवाइड कर रहे हैं हम सेवन uh, से तो सेवन वन झा सेवन सेवन टू जोटीन दोनों ही प्लस के है दोनों का डिवीजन हो रहा है तो आंसर इज टू चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अब देखिये रूल नंबर टू देखिए स्टूडेंट फर्स्ट नंबर प्लस का है और उसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं सेकंड नंबर माइनस से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर को साइन आएगी ना वो माइनस की ही रहेगी चलिए इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं अब जैसे कि प्लस ट्वेंटी एट है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेवन माइनस सेवन से अब देखिए फर्स्ट नंबर ट्वेंटी प्लस का है और सेकेंड नंबर सेवन ये माइनस का है तो सब पहले इनको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सेवन वन जा सेवन सेवन फोर जा ट्वेंटी तो आपको आंसर मिल गया फोर लेकिन आंसर को साइन कौन सी लगेगी माइनस की ही लगेगी ट्वेंट चलिए थर्ड रूल देखते हैं अब थर्ड रूल क्या है अगर फर्स्ट नंबर माइनस का है उसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कोई प्लस वाले नंबर से तो आंसर को साइन हमेशा माइनस की ही लगेगी चलिए एग्जांपल देख लेते हैं फॉर एग्जांपल 50 है और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं फाइव से लेकिन ये माइनस फिफ्टी है माइनस फिफ्टी को डिवाइड कर रहे हैं फाइव से तो आप जो है फाइव वन जा फाइव फाइव टेन ज फिफ्टी ये आपको आंसर मिल गया टेन अब आंसर को कौन सी साइन लगाना है स्टूडेंट माइनस की साइन लगाना तो ये हो जाएगा माइनस टेन चलिए फोर्थ रूल देखते हैं फोर्थ रूल क्या है स्टूडेंट अगर फर्स्ट नंबर माइनस का है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं और एक माइनस वाले नंबर से तो आंसर आपका प्लस में ही आएगा अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि मैं लिखता हूँ थर्टी नाइन माइनस का है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस थर्टीन से तो ये जो माइनस माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा थर्टीन वन झा थर्टीन थर्टीन थ्री थर्टी नाइन तो आंसर आपको मिल जाएगा थ्री लेकिन आंसर मिलेगा प्लस थ्री तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आपको आंसर मिलेगा प्लस थ्री तो वी होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट ये था बेसिक ये बेसिक आना आपको बहुत जरूरी था इसके अंदर हमने देखा है एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स और उसके अलावा हमने आपको नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में मालूम दी है स्टूडेंट so, तो हमारे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे इसके बाद का टॉपिक रहेगा वो लेंगे एक्सरसाइज uh, से पहले एक टॉपिक है वो ले लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज रू करने वाले हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट हम आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतना आसान है इतना आसान है अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर समझ में आ जाएगा ये चैप्टर की आप पूरी तैयारी कर सकेंगे तो हमारे वीडियोज को आप देखते रहिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले नए वीडियोज बनाने के लिए इसके बाद के चैप्टर के वीडियोज भी हम डालने वाले इस चैप्टर के वीडियोज भी हम डालने वाले हैं तो आप इन वीडियोज को ज्यादा ज्यादा दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज